डेटाबेस से सब कुछ पढ़ लिए। डेटाबेस का किस चीज का एग्जाम, किस चैप्टर का? शांत हो जाओ पहले, हाँ शांत हो जाओ सारे बच्चे। आरडीबीएमएस का कि डीबीएमएस का एग्जाम है? तो आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में क्या अंतर होता है? कैसे रिलेशन, हाँ रिलेशन कैसे बताता है बताओ? प्राइमरी ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बेसिकली? अगर आप कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। एंड यूजर मतलब हम सारे लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो काम करता है एज ए इंटरैक्शन करता है, एज ए इंटरैक्शन करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एंड यूजर के बीच में। और क्या है परिभाषा में डिफाइंड डेफिनेशन? एक तरह से इंटरफेस का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? इंटरफेस का क्या मतलब समझते हैं? हम लिखाया गया एक वर्ड इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कम्युनिकेशन चैनल थ्रू दैट यू कैन डू कम्युनिकेशन, थ्रू दैट यू कैन डू कम्युनिकेशन। जैसे हमें इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट पे काम करना है, तो क्या वेब ब्राउजर चाहिए कि नहीं? क्या वेब ब्राउजर के बिना यू कैन इंटरैक्ट विद दैट वेब एप्लीकेशन? अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो क्या उस वेब एप्लीकेशन के साथ जो भी आप खोलना चाह रहे हो, गूगल हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, याहू हो, यूट्यूब हो, क्या बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरैक्ट कर लेंगे? यू कैन नॉट डू इट लाइक दैट। Like that, operating system is an interface. Without interface, you can run the computer system. Mm-hmm. Computer system will still there, but you cannot run the computer system without the concept of operating system. Just like a bus, a train, a plane, without pilot or without driver, these applications can run? No. Without driver, you can run the bus, you can run the truck, you can run the car? No, no way. No? क्या हुआ? वो आएगा क्या होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा? अभी जब तक मार्केट में जब तक 100% अपीयरेंस, 100% जब तक नहीं हो उसको नहीं कहा जा सकता। तो आज तो आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या है सुनो, कंप्यूटर में हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू डू इट, कंप्यूटर कर लेता है, कंप्यूटर कर लेता है, इतना ही बात है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस। विदाउट इंटरफेस आप काम नहीं कर पाओगे। एक चीज सुन लो, जब हम और एक क्वेश्चन और कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, ये बताया गया होगा आपको क्लास में। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन बताओ कोई भी बच्चा, बताया गया है क्लास में? सिस्टम क्या इंडिपेंडेंट हो? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोले? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, सुनो, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर
which directly deals with the machine and which directly deals with the hardware is called system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताओ, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताओ. ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर. एक मेरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मान के चलो. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टेटमेंट या फंक्शन. सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए. अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज, LIES, लाइज ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर. विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी वर्क. मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर को एग्जिस्ट हुए हुए. मतलब एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जिस्ट अगर नहीं हो रहा है मशीन के अंदर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा नॉट एनी वे. तो विच इज इंडिपेंडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. और बताओ, बैच बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच सिस्टम और कोई बच्चा पंच कार्ड है और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे बोलते हैं. इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को अंडर सिंगल क्यू, एक क्यू के अंदर डाल के हम उसको मशीन को दे देते हैं. यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस टास्क, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस. ये क्या हुआ? बैच. मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होना चाहिए. सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स नहीं होना चाहिए. सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का मतलब अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो केवल रीड हो, उसमें कोई एडिट ना हो, डिलीट ना हो, ड्रॉप नहीं हो, केवल रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करे. या राइट ऑपरेशन, मतलब अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई चीज कंटेंट पे लिख रहा है. जैसे आयुष भारती सी आर है ना, अब सुनो. अब जैसे कोई वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन पे हम लोग सब लोग काम करते हैं. एक वेब एप्लीकेशन है, सुन लो, ठीक है.
आप एक एप्लीकेशन खोलेंगे www.gmail.com एक एप्लीकेशन खुला हुआ है। अब रीड ऑपरेशन की बात है, रीड ऑपरेशन जब चल रहा है, रीड मतलब मान लो एक न्यू चैनल खुला हुआ है www.jagran.com, इसमें हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान देना। तो jagran.com पर एक साथ कितने लोग पढ़ सकते हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के विदेशों में जो चाहे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कितने लोग चाहेंगे उतने लोग पढ़ सकते हैं। रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है केवल तब, अगर सेम टाइम अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की नौबत आ गई, मतलब न्यूज का कंटेंट चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ इमेज डालना है, कुछ ग्राफिक्स डालना है, तब क्या करना होगा, रीड ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा कि नहीं। उस समय लिख कर आ जाता है कि फॉर द सर्वाइवल कंस्ट्रक्शन इनकन्वीनियंस, तो उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, बैच सिस्टम में सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को एक जॉब पूल में लगाकर हम लोग भेज देते हैं, एक जॉब पूल में लगाकर सिमिलर टाइप्स। सर थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिए ना, बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा सर, दिख नहीं रहा है सर, जरा उधर दिख नहीं रहा, उधर दिखाइए ना कैमरा थोड़ा बोर्ड पे कीजिए, आएगा है नहीं, दिख नहीं रहा है ये नहीं। तो रीड ऑपरेशन, तो बैच में क्या होगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब, डी सिमिलर नहीं कि रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कॉपी भी साथ में हो रहा है, पेस्ट भी हो रहा है, और आप लिख भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। एक ही टाइप का ऑपरेशन अगर प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट हो रहा है, केवल प्रिंटिंग का कमांड चल रहा है, प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आई सिम? हाँ बताओ। यस हाँ, वो तो जो आप सीक्वेंस में लगाएंगे उसी तरीके से काम करेंगे, वन से होगा, फर्स्ट से, हाँ फर्स्ट से, फर्स्ट में अगर फाइव ही रहेगा तो फाइव से शुरू होगा। अब सुनो क्या कहे कर्नल, हाँ कर्नल क्या होता है, कर्नल इज द न्यूक्लियस, सुन लो, कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है, कर्नल इज द न्यूक्लियस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कर्नल इज द न्यूक्लियस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जैसे हार्ट होता है, उसी तरह कर्नल क्या है, हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, न्यूक्लियस मतलब मेन पार्ट है, मेन पार्ट है, जो जितने भी सिस्टम कॉस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोसीजर सब रूटीन जो लिखे गए हैं, सब किसके अंदर है, कर्नल्स के अंदर, कर्नल्स के अंदर। एक तरह से समझ लो कि कर्नल इज ए मेन पार्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप कोडिंग करते हैं, जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, या कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं, आप जैसे वेब एप्लीकेशन देखते होंगे, जीमेल है, फेसबुक है, जागरण है, google.com है, youtube.com है, तो इनमें क्या है, आप देखते होंगे केवल एक पेज थोड़ी होता है, आप देखते होंगे प्ले लिस्ट है, तो इमेज फाइल्स है, तो होम पेज है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो एड्रेस है कि नहीं। जब सब पेज पे आप जाएंगे तो अलग अलग पेज खुलता होगा, सेम पेज खुलता है, अलग अलग पेज खुलता है। तो जब एक वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट पेज हो जाते हैं, डिफरेंट पेजेस हो जाते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स हो जाते हैं, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी कोड होती होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक सिस्टम कॉल लिखा जाता है। हम जैसे लिखते हैं कंट्रोल सी, आप देखे होंगे कंट्रोल सी, चाहे आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, या किसी में काम कर रहे हो, तो कंट्रोल सी काम करता है कि नहीं। कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स, अल्ट एफ, अल्ट एक्स, अल्ट एफ फोर,
ये काम करता है कि नहीं, तो इनकी जो कोडिंग लिखी गई है ये सिस्टम कॉल्स के द्वारा चल रही है, कि किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, सिस्टम कॉल्स के द्वारा, इनवर्सल कोड है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल डी कंट्रोल वी, चाहे जिस एडिटर में हो आप चला लो, चलता है कि नहीं, तो ये सिस्टम कॉल इसको कंट्रोल कर रहा है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम कॉल्स, ठीक है। सिस्टम कॉल्स क्या है, सिस्टम कॉल्स इज ए न्यूक्लियस, क्या कह सकते हो, मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट विदाउट कर्नल यू कैन इमेजिन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कर्नल नहीं होगी, जैसे आज बॉडी से आपका हाथ निकाल दिया जाए, पैर निकाल दिया जाए, यू कैन रन, बट वेन यूर हार्ट विल स्टॉप वर्किंग यू विल नॉट रन। आपका आंख ब्रेन भी निकाल दिया जाए, लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज कर गया, बट इंसान जिंदा रहता है, बट हार्ट में अगर हार्ट फेल कर गया तो इंसान खत्म। तो उसी तरह हार्ट है ये, मतलब न्यूक्लियस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेन मेन कोडिंग जो कॉपी पेस्ट कंट्रोल डिलीट जो मेन मेन कोडिंग है वो सिस्टम कॉल के अंदर लिखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मेन कोडिंग। इसमें डॉट कॉम कमर्शियल है, आई एन इंडियन डॉट, नहीं नहीं ये सब होता है, बताते हैं डोमेन नेम होता है, डोमेन क्या होता है जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि ये वेब एप्लीकेशन किस टाइप का है, ये वेबसाइट किस टाइप का है, ठीक है। डॉट इन का मतलब इंडिया, डॉट एयूएस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, डॉट सीओएम का मतलब कॉमर्शियल, डॉट ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, डॉट जीओवी का मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ वेबसाइट है, डॉट एमआईएल मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको कुछ पता चल जाएगा कि वेब एप्लीकेशन किस टाइप का है, ये वेब एप्लीकेशन किस टाइप का है, ठीक है। होता है डोमेन नेम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, क्या बोलते हैं डोमेन नेम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कर्नल हो गया, अब आते हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग पे। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग का मतलब मान लीजिए चार प्रोग्राम चल रहे हैं, बंद करना होता है क्या, पहला बार हमेशा देखिए, मान लीजिए पी वन है पी टू है, ध्यान देना पी थ्री है, कितने प्रोसेस चल रहा है एक साथ, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ऑल प्रोसेसेस और ऑल प्रोग्राम्स आर रनिंग इन ए पैरेलल मैनर, इन ए पैरेलल मैनर या बोल सकते हैं स्यूडो पैरेललिज्म मैनर। पैरेलल मैनर का मतलब उस समय प्रोसेस कुछ समय के लिए पी वन को मिला, फिर कुछ समय के लिए पी टू पी थ्री पी फोर, टाइम स्लाइसिंग के द्वारा ये चीज हम अचीव करते हैं, लेकिन टाइम स्लाइस इतना कम होता है, इतना फास्ट होता है आजकल का प्रोसेसर, पहले का प्रोसेसर स्लो होता था, पता चल जाता था कि चार प्रोसेस खोल दिए तो आराम से कॉपी और पेस्ट हो रहा है, अभी क्या हुआ प्रोसेस खोल दिए तो फटाफट काम हो जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब कि चार प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मान लो एमएस वर्ड भी चल रहा है, एमएस एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, जावा भी चल रही है, फोर प्रोग्राम्स आर रनिंग इन ए पैरेलल मैनर, इट्स कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब बात आई मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स, सेम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स है पी वन पी टू पी थ्री और पी फोर, सब डिफरेंट है और सब क्या चल रहा है पैरेलल मैनर में। अब आई बात मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब हुआ, मल्टीटास्किंग का मतलब जैसे एमएस वर्ड एक सिंगल टास्क के अंदर, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड पे आप क्या कर रहे हैं, बायोडेटा अपना बना रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं, इसमें आप बायोडेटा भी बना रहे हैं, सेम टाइम यू आर चेकिंग स्पेलिंग, स्पेलिंग आता है कि
तो रेड कलर हाईलाइट हो जाता होगा, तो आप राइट क्लिक करते हो, इग्नोर ऑल या जो भी आपको करना है करते हो। सेम टाइम बॉडी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, सेम टाइम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेम टाइम फॉन्ट और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अंडर सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटिंग, अंडर सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटिंग, दिस इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग। क्या हो गया, तो सिंगल टास्क के अंदर एक से ज्यादा टास्क का, सिंगल एप्लीकेशन सिंगल प्रोसेस सिंगल प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा टास्क का चलना, दैट इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग। इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए बात टाइम शेयरिंग पे। टाइम शेयरिंग क्या होता है ये बताया हूं मैं, बताओ तुम। टाइम स्लाइसिंग में क्या करता है, टाइम शेयरिंग में क्या होता है, बहुत सारा वर्क एक सिंगल सिस्टम में हो रहा है, बट टाइम शेयरिंग इसको सर कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। यस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, रिसोर्सेज को स्विच करना है, टाइम शेयरिंग में रिसोर्स को स्विच करना है, प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना, किसको कितना मिलेगा, किसको क्या रिसोर्स मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, That is called context switching. तो टाइम शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि कितने प्रोसेस चल रहे हैं, देख लो, बंद कर दिए फिर भी यही बात हो गई, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दो मिनट लाइट आ गए तब तक हम चाय करें। P1 P2 लाइट आ गए दो मिनट। यह देखो कितने प्रोसेस चल रहे हैं, P1 P2 P3 इसको कंप्लीट होने में मान लीजिए 20 मिली सेकेंड लगता हो, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, P2 को कोने में लग रहा है मान लीजिए 32 मिली सेकेंड, P3 को लग रहा है 16 मिली सेकेंड, P3 को कितना लगा 16 मिली सेकेंड। P1 को लगा 20, P2 को लगा 32, P3 को लगा 16। वैसे देखो फर्स्ट राउंड चलना शुरू किया CPU, फर्स्ट राउंड CPU ने चलना शुरू किया, सब लोगों को 6-6 मिली सेकेंड दे दिया, उसने जो टाइम स्लाइस बनाई CPU ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे बोला कि 6 मिली सेकेंड का बना लो, 6-6 मिली सेकेंड सबको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में मिलता जाएगा। तो फर्स्ट में कितना बचेगा, P1 6 मिली सेकेंड का काम मिल गया इसको, P2 कितना बचेगा, 26 लाइट बोल दो, लाइट और नहीं, दो मिनट लाइट आएगा ही, देखो इधर P1 को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 20 मिली सेकेंड, P2 को 32 मिली सेकेंड, P3 को 16 मिली सेकेंड, CPU ने डिसाइड किया कि टाइम स्लाइस कितना होगा 6 मिली सेकेंड, तो P1 को कितना टाइम लगा फर्स्ट राउंड में, कितना टाइम बचा P2 को, P3 को 10 मिली सेकेंड, फिर सेकेंड राउंड में CPU
सीपीयू पहले पी वन पे जाएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके पी टू पे, फिर पी थ्री पे। फर्स्ट में सी, फर्स्ट में इसमें गया, फिर सेकंड इसमें गया, फिर थर्ड इसमें गया, फिर वापस आ गया यहाँ सीपीयू, फिर वापस आया। फिर सेकंड में कितना बचा इसको, सेकंड में एक मिली सेकंड, थर्ड में ये फिर थर्ड राउंड में सीपीयू फिर घूम गया, सीपीयू जाते गया फिर घूम गया इधर, सीपीयू फिर आ गया पी वन पे आ गया। थर्ड राउंड में इसको कितना मिला, 14, और ये हो गया फिनिश। ये क्या हो गया फिनिश, और फिर ये फिनिश होने के बाद यहाँ तक वो प्रोसेसर को जाना ही पड़ गया सीपीयू को, फिर आया वो घूम के फोर्थ राउंड में, तो फोर्थ राउंड में ये हो गया फिनिश, ये बच गया 8 मिलीसेकंड। अब डायरेक्ट किस पे चला जाएगा, ये कैसे नहीं देगा, वो टाइम स्लाइस के बाद वो प्रोसेस बंद हो जाता है, सिक्स राउंड में आते फिर खत्म हो जाएगा। तो कितने बार कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई, छह बार, सिक्स टाइम्स कॉन्टेक्ट स्विचिंग कंप्लीटेड, सिक्स टाइम्स में टास्क फिनिश हो गया, और पता भी नहीं चला, और तीन टास्क हो भी गया, तीन टास्क फिनिश हो भी गया, हो गया कि नहीं। इसमें है क्या, इसमें जब पेजिंग पढ़ोगे तो और क्लियर होगा पिक्चर, उसको अभी खोल देंगे बहुत कंफ्यूजन बन जाएगा। उसमें होता है कि मेमोरी बस्ता फिर हम बांटते हैं, लेकिन अभी उसको खोलना उचित होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा बेवजह। चीज तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर टाइम शेयरिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे बोलते हैं कि जो प्रीडिफाइंड टास्क है, जो गिवन टास्क है, जो गिवन प्रोसेस है, वो विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम कंप्लीट हो, विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम कंप्लीट हो। मतलब दो प्रकार का होता है रियल टाइम सिस्टम, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में क्या होता है कि विद इन जो गिवन टाइम फ्रेम है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, जैसे एयरलाइंस लॉन्च, मिसाइल लॉन्च, रॉकेट लॉन्च, ये सब, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब क्या है, रियल टाइम सिस्टम है, और ये पार्ट है हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। सॉफ्ट क्या होगा, अगर आप डिले हो भी गया कुछ टाइम तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एसी, इसमें कुछ दिक्कत हो भी गया, ओवन मशीन, अगर 5-7 मिनट आगे पीछे भी हो गया तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मतलब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में टाइम इज ए क्रिटिकल इशू, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या है, टाइम इज ए मेजर इशू, अगर टाइम में जरा से 19-20 हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है, और सॉफ्ट में टाइम इज नॉट सच ए मेजर इशू, थोड़ा बहुत चल जाएगा, मतलब इट शुड बी एडजस्टेबल, बट हार्ड रियल टाइम सिस्टम मीन्स इट इज बाउंड टू टाइम, जो टाइम्स है उसी से ये बाउंड है, बंधा हुआ है, ठीक है। और कौन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होते हैं कि जैसे आज आपका एटीएम सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे बड़ा हिस्सा है, कि आपके पास एटीएम किसी का भी हो, आप पैसा किसी से भी निकाल लेते हो, पहले ये चीजें नहीं थी, जौन सा बैंक का अकाउंट था उसी से आप निकाल सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि आपका अकाउंट किसी बैंक का है, आप किसी से भी पैसे निकाल सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक स्केलेबल बर्ड का मतलब होता है, सुन लो, आज फेसबुक पर कितने लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, बिलियन, और फेसबुक वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिंग टू ईच वन, जितने भी बंदे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं सबको फेसबुक का बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है, वेब सर्वर कर रहा है। तो स्केलेबल का मतलब जितना भी आपके सिस्टम पे लोड हो, जितना भी आपके वेब एप्लीकेशन पे लोड हो, जितना भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड हो, सबको वो रिस्पॉन्स, मतलब हाउ मच ही गेट रिक्वेस्ट, ही रिस्पॉन्स ऑल द थिंग्स।
मतलब जितने लोगों का रिक्वेस्ट आए सबको रिस्पांस मिले। जैसे कभी कभी बिहार गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का रिजल्ट आता है, एक दो 10 मिनट चलते चलते सर्वर बैठ जाता है, जबकि फेसबुक पे उससे 10 गुना ज्यादा लोग लगे रहते हैं हर समय। फेसबुक पे उससे 10 गुना क्या 20 गुना ज्यादा लोग लगे रहते हैं 24 घंटे, लेकिन फिर भी उसका सर्वर नहीं बैठता है। तो वेब सर्वर, तो फेसबुक का सर्वर क्या है? स्केलेबल है। याहू का सर्वर क्या है? स्केलेबल है। जीमेल का सर्वर क्या है? स्केलेबल है। व्हाट्सएप का सर्वर क्या है? स्केलेबल है। इस समय प्रॉब्लम आती है, लेकिन रेयर, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती है, रेयर। साल दो साल डेढ़ साल में एक बार आई तो 8-9 घंटे का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि नहीं, लेकिन रेयर होती है, ऐसा नहीं कि रोज 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 होती है। तो ये सब क्या है? स्केलेबल एप्लीकेशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्केलेबल होना चाहिए कि जितना भी हम काम कर सके सबको वो रिस्पांस प्रॉपरली कर सके, सबको रिस्पांस प्रॉपरली कर सके। आज के तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आज का कंप्यूटर सिस्टम स्केलेबल है, इतना हाईली रिसोर्सेज उपलब्ध है कि कोई प्रॉब्लम ज्यादा होती नहीं है। पहले दिक्कत होती थी कि गेम है 2 GB का, रैम है 256 MB, कैसे चले तो कैसे चले। अब क्या है आज रुक रुक के क्यों झेला देता था एकदम, अब क्या है, अब तो रैम भी 2 GB 4 GB 8 GB तक का रैम आ गया है, 8 GB तक का रैम आ गया है, 16 GB तक का रैम आ गया है। तो अब ज्यादा एप्लीकेशन को प्रॉब्लम चलाने में नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड स्केलेबल। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सुन लो, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक सिंगल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सिंगल सिस्टम है और उससे हजारों सिस्टम जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप मान लो कि बैंक का सर्वर है, बैंक का सर्वर बॉम्बे में रखा है, दिल्ली में रखा है, उससे कितने कंप्यूटर सिस्टम बैंक के जुड़े हुए हैं। या हम उस वेब एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे ही खोल लेते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो क्या वहां से जब तक डेटा फेच नहीं होगा क्या खुलेगा आपके सिस्टम में? अगर सेंट्रल सिस्टम रहता तो काम होता क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वहां से लोकेशन को आप शेयर कहीं भी हेट्रोजीनियस फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा इससे, रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मैंने पढ़ा दिया इसको, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, ये सब क्वेश्चन और आएगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया हूँ। कुछ भी आ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कुर्सी चेंज कराओ भाई, गिर जाएगा आदमी। शांत हो जाओ। हाँ करेंगे, अभी थोड़ा सा कर देंगे, एक एक करेंगे। हाँ कौन आएगा अटेंडेंस लेने? तुम आओ, कौन बच्चा आएगा? हल्ला मत करो, फोटो ले, इसका फोटो लो पहले। ऑनलाइन ऑफलाइन के चलते लोड बढ़ जाता है। ले लिए ये, अब फिर लो नीचे नीचे कैसे लो, ऊपर सब लो। हाँ ऑनलाइन आप लोग का अटेंडेंस हो गया है, नाउ यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बोले हैं कि पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, ऑनलाइन हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए सारे बच्चे। सर 53 बना दीजिए, 53 सब पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। 53 नहीं बना, बना दीजिए। विनीत कुमार, तो विनीत कुमार बच्चा 85
तुम फोटो खींच रही हो